नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाडली बहन योजना के बारे में, क्या न्यू अपडेट निकल कर आ रही है इस योजना के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा, CM मध्य प्रदेश के जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके यहाँ पर जो ट्वीट किया है और यहाँ पर जो एक न्यू अपडेट दी है उन बहनों के लिए जो यहाँ पर अविवाहित हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है अब 21 वर्ष की जो अविवाहित बहन है वो भी यहाँ पर इस योजना का लाभ ले पाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या उनके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, कितना उनको पैसा दिया जाएगा, कब से यहाँ पर जो है आवेदन स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए, ठीक है, आप लोग अच्छे से यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएँ। तो चलते हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो भी यहाँ पर डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए, सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल पर मैं जितनी भी योजना आती है उस बारे में वीडियो लेकर आता रहता हूँ, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यहाँ पर अपडेट्स भी देता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको इस बारे में कोई न्यू अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि घोषणा यहाँ पर जो है अभी की गई हुई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर 4 से 5 घंटे ही हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वेबसाइट को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी आप ट्वीट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संस्कारधानी जबलपुर से बड़ी घोषणा, ठीक है, यहाँ पर बड़ी घोषणा यहाँ पर करी है। अब यहाँ पे 21 वर्ष से अधिक अविवाहित बहनों को भी मिलेगी लाडली बहन योजना का लाभ। तो जो 21 वर्ष से यहाँ पे जो अधिक है, ठीक है, जो 21 वर्ष की हैं जो अविवाहित है, उन लोग को भी यहाँ पर इस लाडली बहन योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसी बहनें जो 21 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने विवाह नहीं किया, ऐसी बहनें लाडली बहन योजना का अंतर्गत पात्र हैं, ठीक है, उनका नाम भी लाडली बहन योजना में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आप लोग 21 वर्ष के हैं और अविवाहित हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था, 21 से 23 वर्ष यहाँ पर जो आवेदन कर पा रहे थे सेकेंड राउंड में, और वो भी वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे थे जो यहाँ पर मेरिट थे, पर थर्ड राउंड जैसे ही स्टार्ट होगा अब यहाँ पर उन लोग को भी लिया गया हुआ है जो 21 वर्ष की और जो अविवाहित हैं, जो अनमेरिड है, उन लोग को भी यहाँ पर जो है मौका दिया जाएगा थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपको यहाँ पर सबसे पहले करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको आवश्यक दस्तावेज देखने को मिल जाएंगे। संवरण आईडी, जो आपके परिवार आईडी होती है, वो आपको यहाँ पर जो है अपडेट करवा लेनी है, कोई उसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर जो है लिंक करा लेना है आधार कार्ड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके नाम में, या फिर यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, उसको आप सुधार करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अब इकट्ठे यहाँ पर लोग एक साथ जाएंगे ना, तो केंद्रों पर आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग पहले ही अपना काम करा लीजिएगा। अब मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है आपको आधार कार्ड से लिंक करा लेना है, प्लस आपके सौरंग आईडी में भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी अगर नहीं आ पाया तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। कई यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड में ऐसे ही हुआ था, कई लोगों ने यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप इसी कारण नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका ओटीपी नहीं आ रहा था। अब सौरंग आईडी आपको ईकेवाईसी भी करा लेनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोमेट्रिक ओटीपी यहाँ पर जो है उसके माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप होना है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोमेट्रिक से भी यहाँ पर आप करा सकते हैं, ओटीपी से यहाँ पे सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर आपको करा लेनी है। और जो बैंक अकाउंट है उसका आपको DBT भी ऑन करा लेना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पर आपको इसको ऑन करा लेना है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई लोगों ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था और उन लोग का यहाँ पर DBT ऑन नहीं था, तो उन लोगों ने आवेदन तो यहाँ पर कर लिया था पर उनका पैसा यहाँ पर जो है नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ पे बैंक में जाकर उन लोगों ने DBT ही ऑन नहीं किया था। तो आप लोग यहाँ पे बैंक जाइएगा और उनसे बैंक वालों से बोलकर आप आपका DBT ऑन करा लीजिएगा, जो अकाउंट आप लोगों ने जो पासबुक यहाँ पर दी हुई है लाडली बहन योजना के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिएगा अपने, बाद में आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, फिर आप लोग सक्सेसफुली यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप करवा पाएंगे। अब यहाँ पर जो है इसकी कितनी यहाँ पर आपको किस्त दी जाएगी, कितना आपको पैसा दिया जाएगा, वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले यहाँ पर 1000 रुपये आपको दिया जा रहा था, जो कि इसको बढ़ा के 1250 कर दिया गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग को ही 1250 रुपये दिए जाएंगे, अक्टूबर महीने से यहाँ पर जो है आपको 1250 रुपये मिलेंगे। अब ये नेक्स्ट जो किस्त आएगी उसमें आपको 1250 रुपये दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसकी राशि भी बढ़ा दी गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कब यहाँ पर योजना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया हुआ है 2.0 कोई नई योजना नहीं है, यह CM लाडली बहन योजना का दूसरा चरण है, पंजीकरण प्रक्रिया है। इसी तरह से 3.0 योजना भी तीसरे चरण में होगी। लाडली बहन योजना 3.0 सितंबर 2023 में शुरू या तीसरे सप्ताह में शुरू होगा। योजना का फॉर्म सितंबर से अंतर्गत यहां पर भरा जाएगा। तीसरे चरण के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, इस योजना का लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को पात्र सूची में शामिल करना है, ठीक है। तभी यहाँ पर 21 वर्ष की जो बहन है उन लोग को भी मौका दिया जा रहा है जो अविवाहित हैं। इस बारे में यहाँ पर जो है 21 वर्ष की से अधिक आयु अविवाहित महिलाओं को भी लाडली बहन योजना का यहाँ पर जो है तीसरे में यहाँ पर पात्र रहेंगे।
अब यहाँ पे योजना का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो है आप उद्देश्य इसका देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बेसिक डिटेल्स जो है वो बता देता हूँ, बाकी यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मध्य प्रदेश लाडली बहन आवास योजना का लाभ एंड विशेषताएँ। अब यहाँ पे जो है विशेषताएँ यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो है कौन कौन यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की बहनों को ही यहाँ पर मिलेगा। तीसरे चरण में बहनों को विवाहित होने अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद विवाहित या अविवाहित महिलाओं को लाडली बहन 3.0 के लिए पात्र है। 21 से 60 वर्ष तक आयु महिला इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश व गरीब निर्माण मध्य वर्ग परिवार व महिला सीएम लाडली बहन आवास योजना का पात्र होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। इस योजना में अविवाहित, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित महिलाएँ भी शामिल हैं, ठीक है। बहन के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम यहाँ पर हो, ठीक है। आपके पास 5 एकड़ यहाँ पर जो है कृषि भूमि होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 5 एकड़ से यहाँ पर जो है कम यहाँ पर बोला गया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी लाडली बहन इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से जुड़वाना चाहिए, जो आपके पैसे मिलेंगे तो महिला के आधार सवरणों से लिंक होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान देना है। अब एमपी लाडली बहन योजना के लिए यहाँ पर जो है आप आ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर बहन की कभी तक शादी नहीं हुई है, परिवार में कोई सदस्य यहाँ पर जो है सहायता करता हो, ठीक है, जो यहाँ पर टैक्स वगैरह देता हो, यदि स्वयं किसी सरकारी योजना में यहाँ पे जो है मासिक दर पर से अधिक लाभ प्राप्त कर रहा हो, उन लोगों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। यदि उसके परिवार में किसी भी नाम चार पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर पंजीकृत हो तो यहाँ पर उन लोग को भी इसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर जो ये भी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई यहाँ पर कब से जो है करना है आपको, तो अप्लाई की यहाँ पर डेट अभी नहीं आई है, हो सकता है यहाँ पर जो है आपका 25 के बाद इसमें आवेदन किया जाए, ठीक है। और जैसी इसकी डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे तो आपको बाद में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, शहरी से आते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्रामीण पंचायत कैंप यहाँ पर लगाए जाएंगे। और अगर आप शहर से आते हैं तो आप अपने नगर निगम आंगनवाड़ी केंद्र से जाकर पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है कार्यकर्ता देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है ऑफिस के जो मेंबर है वहाँ से आप सारी चीज़ पूछ पाएंगे, क्योंकि वहीं पे ही पहले अभी फॉर्म भराए जा रहे थे, जो सेकेंड राउंड था, फर्स्ट राउंड था, वहीं से ही काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो आपको वहाँ से सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कब आपका कैंप लगेगा आपके एरिया का, आपके वार्ड का, वहाँ से आपका जो है फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अब ऑनलाइन यहाँ पर जो है इसमें आपको वहीं से ही जाकर अप्लाई करवाना होगा, ये सारी चीज़ यहाँ पर जो इसमें दी गई हुई है। बाकी और भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है 21 वर्ष की जो बहन है, जो अविवाहित है, उन लोग को भी यहाँ पर जो है लाडली बहन योजना का इसमें जो है बेनिफिट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यू अपडेट है, तो जिन लोग को ये जानकारी नहीं पता तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वेबसाइट में जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है या फिर ये चीज़ अपलोड हो जाती है, इसके लिए अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।